आटा ना मैदा ना चावल का आटा, बिल्कुल नए तरीके से आज हम मोमोज की रेसिपी लाए हैं फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आएगा, तो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजा, गुंजा की रसोई में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स मोमोज बनाने के लिए। ये देखिए सोयाबीन भिगाए हैं हम 2 घंटे से पहले से, और ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है, तो इसको हम 2 पानी से धुल लेंगे अच्छी तरह से। तो पहले धुल लेते हैं, तो ये देखिए धुल लिए हैं। अब इसको खूब अच्छी तरह ऐसे निचोड़ लेंगे हम। मेरे पास मीडियम साइज का है सोयाबीन, हम इसको हम भिगाएं, आपके पास छोटा बड़ा जो भी हो, क्योंकि इसको हमको ग्राइंड ही करना है। तो ये इस तरह हम निचोड़ सारा रख लेंगे खूब अच्छी तरह से। अब ये देखिए हम पूरा अच्छी तरह निकाल लिए हैं। अब इसको हम इसमें ग्राइंड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हमको पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा ग्राइंड करना है। और ये देखिए फ्रेंड इस तरह हमको दरदरा रखना है, तो बस बाकी का भी कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स गैस जला कर हम कढ़ाई रख दिए हैं, इसमें हम डालेंगे पानी। तो 2 कप पानी डाल रहे हैं, नमक डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच तेल। अब 1 कप सूजी डालेंगे, तो जिस कप से हम पानी 2 कप डाले हैं, तो 1 कप सूजी है, तो पानी अब उबलने लगा है, तो अब हम सूजी डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं गुलटी पड़ जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है। आंच को बिल्कुल धीमा कर दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड ऐसे डो बन रहा है ना, तो थोड़ा देर और फिर इसको हम ढक के रख देंगे थोड़ा देर। उसके बाद जब हल्का गर्म रहेगा, पूरी तरह ठंडा हो जाएगा, हल्का हल्का ही गर्म रहेगा, तो इसको हम मस लेंगे। अब इसको हम गैस को बंद कर देते हैं और ढक देंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, हल्का गर्म है, तो ऐसे ऐसे हम खूब कस कस के मसल लेंगे। ये देखिए डो लग गया है खूब सॉफ्ट से अच्छे से। तो अब हम चलते हैं स्टफिंग की तैयारी करने। तो कढ़ाई में हम तेल रख दिए हैं, मिर्चा लहसुन डाल दे रहे हैं, दरदरा कूटा हुआ और अदरक, तीनों इसमें कट हम दरदरा कूट लिए हैं। अब हम प्याज डालेंगे, तो प्याज देखिए बहुत ज़्यादा हमको लाल नहीं करना है, हल्का सा सौटे करना था। अब ये गरम मसाला हल्का सा डाल देते हैं, भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर है उसे डाल दिए हैं, 1 ढक्कन सोया सॉस डाल रहे हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी बनाइए तो भी अच्छा लगेगा। स्वाद अनुसार नमक डालने से सोया सॉस इसलिए डाल, उसका फ्लेवर अच्छा आता है, तो स्वाद में काफ़ी अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए डाल दिए थे मेरे पास था। तो अभी हम सोयाबीन डालेंगे जो दरदरा कूटे हैं। तो सोयाबीन को फ्रेंड्स ज़्यादा मतलब भूनना नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम भून देंगे ना
तो बहुत सूखा सूखा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो एकदम हल्का ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही हम भूनेंगे। अगर आपके पास सब्जियां ज़्यादा हो, मतलब कि गाजर हो, शिमला मिर्च हो, आप बारीक काट के उसको भी डाल सकते हैं। तो इस तरह हम थोड़ा देर भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। और पत्ते गोभी का जो मोमोज हम बनाए हैं और उसके साथ लाल चटनी और मेयोनेज का, ये इसकी भी रेसिपी हम पहले डाल चुके हैं फ्रेंड्स, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वीडियो हम डाले हुए हैं। तो आज हम इस तरीके का बना रहे हैं, बहुत टेस्टी ये भी लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत से लोग नहीं खाना चाहते हैं मैदा का मोमोज या गेहूं के आटे का भी नहीं पसंद करते हैं, तो आप इस तरह ज़रूर बनाकर खाइए, अच्छा लगेगा। हो गया है, धनिया पत्ती डाल देते हैं और दो मिनट के लिए इस तरह और हम चलाएंगे। गैस को बंद कर दिए हैं, अब इसको हम ठंडा होने देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हम चलते हैं बनाने। तो पहले हम छोटा छोटा ऐसे लोई निकाल लेंगे, तो अब हम बेलेंगे। थोड़ा सा गेहूं का आटा लिए हैं, उसके मदद से इस तरह बेल लेंगे हल्का से लगाकर। बस इतना ही बड़ा हमको बेलना है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा करेंगे, क्योंकि सूजी का है ना तो टूटने का भी डर होता है, पर खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, आप बना कर देखिए। तो बस इस तरह हम सब बना लेते हैं, हम बेल लिए हैं, बनाते हैं। अब ये स्टफिंग रखेंगे इस पर, इसको इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये सूजी का है ना, तो बहुत ज़्यादा इस तरह हम प्लेट नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही डालकर मोमोज का आकार देंगे, क्योंकि ये टूटने का भी डर होता है ना। ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। ये भी इस तरह बना लेंगे। मैदे में बहुत ज़्यादा लहसुन होता है तो हो जाता है, तो ये थोड़ा सा होगा कि आपको कम इसमें प्लेट डालना पड़ेगा, लेकिन बस बिल्कुल एकदम मोमोज का आकार बन जाएगा। तो इसी तरह हम सारा बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारे मोमोज बन गए हैं, तो अब हम स्टीम के लिए रखना है। तो उधर भगोने में पानी रख दिए हैं और ये जाली पर हम तेल लगा लेते हैं। तो भगोने में हम रखे हैं पानी खोलने के लिए, हम उसी में बनाएंगे। तो इसमें हम तेल लगा लेंगे जिससे चिपके ना मोमोज, आराम से निकल जाए। ये देखिए इसमें हम सारा रख ले रहे हैं। तो पानी उबल रहा है तो इसमें हम रख दिए हैं मोमोज को, अब इसको हम इस तरह ढक देते हैं और मीडियम आंच करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए आप लोग मतलब इसका ध्यान दें, अगर बर्तन आपका जैसा भी हो, अभी तो हम ये 20 मिनट के लिए रख रहे हैं, तो एक बार आप बीच में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और इसको भी हम छोड़ देते हैं, तो 20 मिनट हो गया है, ये देखिए फ्रेंड्स हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा मोमोज तैयार हो गया है सूजी से, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, सच मानिए फ्रेंड्स, एक बार खा कर जरूर देखिए इस तरह बना के। बहुत से लोग मैदा नहीं पसंद करते हैं, तो आराम से इसको बनाकर खा सकते हैं, कोई नुकसान भी नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स भी दूसरे वीडियो में हम डाले हुए हैं, तो ये चटनी की वीडियो आप देख सकते हैं कैसे हम बनाए हैं, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स जैसे हम बनाए हैं वीडियो में, आप ज़रूर देखिएगा। और इसको आप जब
तिल का है, सुबह शाम कभी भी बनाकर खा सकते हैं, कोई भारी नहीं है, मैदा नहीं है। इसको हम तोड़ के भी दिखाते हैं आपको, ये देखिए अच्छे से स्टफिंग भरा हुआ है, तो बहुत टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर खा कर देखिएगा इस तरह बनाकर। तो वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी है, रेसिपी पसंद आई है, तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।